प्यार में ये एक बुरी आदत आपको छोड़नी होगी। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर सच्चे प्यार की बात करते हैं, हम लॉन्ग लाइफ की बात करते हैं, सच्चे रिश्ते की बात करते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि कौन सी आदतें रिश्तों के लिए सही है, कौन सी गलत। मैं ज़्यादा आदतों की बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, एक ही आदत की बात करूँगा, जो आदत आप हर वक्त लगाए रहते हैं अपने साथ और रिश्ते को तहस नहस करते रहते हैं। अगर ये आदत आपने बनाए रखी तो आपको रिश्तों में दिक्कत होगी, रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्द आपको मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि रिश्ता बनाना ही बेकार है, सच्चा प्यार जैसा कुछ नहीं होता, और यही थिंकिंग हर एक के दिमाग में चलती रहती है। उससे अच्छा है कि एक बुरी आदत आप समझ लीजिए और बुरी आदत समझने के बाद धीरे धीरे इसमें सुधार करिए और अच्छा रिश्ता आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते कौन सी वो बुरी आदत है। पार्टनर को कैद बनाए रखने की आदत। पार्टनर आपका गुलाम हो, आपका कैदी हो, इस तरह से आप बिहेव करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसी हमारी सोच नहीं होती, लेकिन आपके काम तो ऐसे ही होते हैं। आप ना उन्हें कुछ खुले दिल से करने देते हैं, ना उन्हें वो फ्रीडम देते हैं। आप हद से ज़्यादा अगर चिंता भी करेंगे तो भी उनकी फ्रीडम कहीं ना कहीं तकलीफ़ में आएगी, वो उतना फ्री महसूस नहीं करेंगे। लेकिन आपको लगेगा कि मैं तो उनकी चिंता कर रहा हूँ, ये है वो है, तो उनकी चिंता करना क्या गलत है, सोच आपकी ऐसी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उनके लिए फ्रीडम छीन लेते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सीधा बोल के उनकी फ्रीडम ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि इनडायरेक्टली, वो करना तो नहीं चाहते लेकिन हो तो वही जाता है, और इसकी वजह से आखिरकार तो वही होता है कि फ्रीडम उनकी ख़त्म हो जाती है। और ये बुरी आदत है, पार्टनर की फ्रीडम ख़त्म करके आप खुश नहीं रह पाएंगे, आपको दिक्कत होगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी कि रिश्ता ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि वो घुटन महसूस करेंगे, फिर आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं कल को अगर कोई बात निकलेगी तो वो आपका ही नाम लेंगे कि आपकी वजह से ही ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि आपने मेरी फ्रीडम छीनी है, आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो कभी भी किसी इंसान की फ्रीडम ना छीनिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें फ्री रहने दीजिए। आप देखिए कि हद से ज़्यादा आप उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनको पसंद भी है या नहीं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे फ्रीडम देखी जाती है। और ये एक बुरी आदत कही जा सकती है रिश्ते की, प्यार की। अगर आप किसी की फ्रीडम ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत में आ जाएंगे। तो कभी भी ये आदत ना अपनाए। अगर कुछ हो रहा है आपसे गलत तो देख लीजिए, समझ लीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये बुरी आदत आप में है या नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे GABF राजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।